back to the channel and welcome back to another video. Hi. Hi. तो आज हमारे घर से शुरू हो रही है वीडियो. हाँ, आज गाड़ी से शुरुआत नहीं हो रही है, आज इसके घर से वीडियो की हो रही है शुरुआत, असली शुरुआत. क्योंकि आज हम हिडन जेम थोड़े ढूंढने आ रहे हैं. ये मुझे बोलना है कि मैं बोलूंगी. हम जा रहे हैं, जैसे हमने सीरीज स्टार्ट करी थी बजट फ्रेंडली की, कि आपको हम रेस्टोरेंट दिखाएंगे कि कौन से रेस्टोरेंट में एकदम आप जा सकते हो, बजट फ्रेंडली होगा. तो वैसे ये वाली सीरीज भी है, हिडन जेम ऑफ दिल्ली. दिल्ली कह लो, इंडिया कह लो, इंडिया तो चलो बाद में होगा, अभी तो दिल्ली कह लेते हैं, जनकपुरी मान लो. तो पास जाएंगे अब जहाँ पे जैसे लोग गए नहीं है वीडियो बनाने, जिनके बारे में लोगों को पता ही नहीं है कि हाँ भाई यहाँ पे बहुत अच्छा खाना बनाते हैं. हाँ, यहाँ पे अच्छा यू नो खाने का मिल सकता है हाइजीन तरीके से. ठीक है, तो इसमें हम आपको ये दिखाएंगे कि छोटी छोटी जगहों पे भी, इन पे भी बहुत ही अच्छा फूड वेराइटी मिलते हैं. जैसे बड़ी बड़ी जगहों का दिखाते हैं यूट्यूबर, जो मेन जगह है वहाँ का नहीं दिखाते. तो आज हम जा रहे हैं, कहाँ पे है, नांगल नहीं, राजवंती गार्डन, जनकपुरी, क्या बोलते हैं, पिज्जा वाला. पिज्जा वाला के नाम से जगह था, सिर्फ वेज है वो, नॉन वेज नहीं. ओनली वेज. और जोमेटो जोमेटो और स्विगी पे भी आपको मिल जाएगा पिज्जा वाला. तो हमने पहले भी एक्चुअली उनका ट्राई कर रखा है, बट एक हमने सिर्फ पास्ता ही ट्राई करा था. उनका एक स्पेशल क्या है, बर्गर भी अच्छे हैं, सैंडविचेस भी हैं, पिज्जास भी हैं, फिर आपके पास चाइनीज में भी हर चीज होगी, चिली पोटैटो, चिली पनीर, ऑल थिंग्स जो होता है वो चाइनीज प्लस इटालियन मिक्स है. तो अब हम चलते हैं वहां पे एंड सारी चीजों का रिव्यू देते हैं. ओके गाइस, सो हम आ गए हैं पिज्जा वाला एंड ये है इनका मेन्यू. दो मेन्यू है इनके और ये पूरा एम्बियंस है. तो ये छोटा सा टेस्ट दे देते हैं आपको, ये इनका मेन्यू है, दो मेन्यू. ये है इनकी छोटी सी प्यारी सी किचन, ये पूरा आउटडोर सेटिंग वगैरह है, ये प्यारी लाइट्स, बहुत ही बढ़िया तरीके से बनाया हुआ है, एकदम छोटा सा है, प्यारा सा एंड बहुत ही प्यारा कोजी कोजी सा है. ये कौन सा पास्ता है हमारा? ये मिक्स सॉस है. और ये वाला? ये बर्गर है, चीज बर्गर, स्पेशल चीज बर्गर. ये है स्पेशल चीज बर्गर और ये है मिक्स सॉस पास्ता. जो इनका पास्ता का लाइक फ्लेवर होता है वो औरों से थोड़ा सा ज्यादा मतलब अच्छा होता है. बिकॉज वो मतलब कैसे समझाऊंगी, मतलब एकदम अलग ही टेस्ट है, बहुत ज्यादा टेस्टी भी है. मशरूम भी है, पनीर भी है, मशरूम, कैप्सिकम, पनीर, चीज सब कुछ है. और ऑरेगानो और चिली फ्लेक्स अलग से दे रखे होते हैं, बढ़िया होता है. मैगडी से बहुत अलग है, मैगडी के एक्सपीरियंस से बहुत अलग है, और उससे ट्रिपल रेट कम नहीं है. बहुत अलग है, काफी अच्छा है, मतलब एकदम वो है लाइक भरा हुआ है, ऐसा नहीं कि सिर्फ मतलब सॉफ्ट भी है, हो गया थी और पैटी डाली और खत्म हो गया, नहीं सॉफ्ट भी बहुत. पास्ता मिक्स हो गया पर तो मखनी पीस है, पीस के लिए नहीं, इसमें पनीर के भी पीसेस हैं, मतलब ऐसा नहीं सिर्फ कैप्सिकम मशरूम ये सब डाल के टाइम पास कर दिया, नहीं पूरी तरीके से सारी वेजीज वगैरह सब कुछ डाल रखा है. तो मतलब यहाँ पे एक बार अब मस्त आना पड़ेगा, क्योंकि बजट फ्रेंडली भी है. ठीक है,
ऊपर से सारी चीजों का टेस्ट अलग है बहुत ज्यादा। जोमेटो पे भी है, जोमेटो पे भी है, स्विगी पे भी है, पिज्जा वाला के नाम से। तो बहुत ही ज्यादा टेस्टी है, मुझे बर्गर बहुत पाचा तो पे लगा ना, मुझे सब कुछ पसंद आ रहा है। वॉट टाइम के बाद मतलब फुल ऑनेस्ट रिव्यू में मैंने वॉट टाइम के बाद एक ऑनेस्ट एक मतलब पॉजिटिव वो दिया है। ज़्यादा मुझे खाना पसंद नहीं आता उस जगह का, बड़ी वाला बहुत ही बढ़िया है। ऐसी छोटी छोटी जगहों को भी हमें सपोर्ट करना चाहिए, फिर बड़ी बड़ी जगहों पर ऑब्वियसली नहीं जाना चाहिए। मेरे को एक चीज़ का बहुत दुख हो रहा है कि मेरा बर्गर खत्म हो गया एंड मैं बर्गर ही खा रही थी ज़्यादातर, पास्ता जो उसका खाया बर्गर बहुत ही बढ़िया था, मैंने फटेंगे का बर्गर खाया एंड आई जस्ट लव इट, मतलब मज़ा आ गया। तू बढ़िया जगह पर लेके आया, इसी की रिकमेंडेशन दी है। तो मैंने आपको कहा था ये किड्स फ्रेंडली भी है, यहाँ बच्चे भी आ सकते हैं। तो बाहर से ये ऐसा दिखता है, आपको पहचानने में ज्यादा इजी रहेगा आप जब भी यहाँ पे आएंगे। आपको आज खा के ओके सो बताओ, तुम बताओ, मैंने तो खा रखा है, मेरे को तो पता है। बहुत बढ़िया लगा, जैसे मैंने कहा कि मतलब एकदम अलग टेस्ट का, हर चीज का, पास्ता बर्गर का अलग और बहुत ही बढ़िया, मतलब मजा। आप मोहितो भी पिए थे हमने, मोहितो आपको शायद हमने दिखाए होंगे, मोहितो ने डाइजेस्ट करने के लिए मोहितो भी पिए। और क्या बोलते हैं फिर हम ना, मतलब आप मोमोज भी खा रहे हो, कुछ भी खा रहे हो, मतलब एकदम हेल्दी और हाइजीनिक है बहुत ज्यादा। मतलब कि ये नहीं होगा कि एकदम से पेट बहुत दर्द करने लग गया है या मैदा कुछ ज्यादा वो लग रहा है, एकदम सॉफ्ट, लाइट लाइट लग रहा है, बहुत ज्यादा सॉफ्ट। हाँ बहुत ही बढ़िया, हमने तीन चीजें खाई और तीनों के तीनों बेस्ट। बहुत बढ़िया, मतलब काफी टाइम बाद ना पॉजिटिव यू नो जा रहा है मेरा रिव्यू, और छोटी सी जगह प्यारी सी, बहुत अच्छी लगेगी आप लोगों को अगर वहाँ पे जाओगे, ट्राई करोगे अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ, बच्चों के साथ, यू गोना लव इट फॉर श्योर। तो आपको मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप जरूर जाइए और एक बार ही ट्राई कीजिए एटलीस्ट। और जोमेटो पे भी है वो, तो आप जोमेटो पे भी ऑर्डर कर सकते हो, वरना उनको कॉल भी कर सकते हो, हम आपको लिंक दे देंगे उनका, जोमेटो का भी और उसकी शॉप का भी लोकेशन भी शेयर कर देंगे। और हमने चाइनीज नहीं लिया था इस बारी, वरना इनके पास चाइनीज में हर चीज़ है, फ्राइड राइस, मंचूरियन, चिली पनीर, चिली पोटैटो, जोन सी आप चीज़ बोलोगे वो बना के देंगे आप। और मोमोज में भी सारे हैं, कुरकुरे मतलब वो नहीं है, तंदूरी वाले अफगानी वगैरह नहीं है, पर वैसे बहुत बेस्ट है और खाने में बहुत मज़ा आएगा आपको, बहुत ज़्यादा। तो आई होप आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अब जब हमारी नेक्स्ट वीडियो आएगी तब तक हमारे बन के सब्सक्राइबर पूरे हो चुके होंगे, करवा दो यार बन के, करवा दो भाई, करवा दो, करवा दो, करवा दे, करवा दे। ओनली 2-3 डेज लेफ्ट ताकि हमारी बन के फैमिली कंप्लीट हो जाए। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जो बहुत जल्दी आएगी, और नेक्स्ट वीडियो बहुत ज्यादा स्पेशल हो सकती है। सो बाय, तब तक के लिए लाइक, सब्सक्राइब और बाय।